तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इम्प्लांट प्लांट में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है चुकंदर, यानी कि बीट रूट। चुकंदर ना सिर्फ दिखने में लाल होता है, बल्कि ये आपके शरीर के खून की कमी को बहुत ही जल्दी दूर कर सकता है। चुकंदर के अंदर बहुत सारी डाइटरी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इस वीडियो में आगे इसके फायदे और इसके नुकसान दोनों ही के बारे में बात करेंगे। चुकंदर एक जड़ वाला पौधा है और ये ज़मीन के अंदर उगाया जाता है। हम चुकंदर का इस्तेमाल या तो जूस बनाने में, या सलाद बनाने में, या फिर सूप बनाने में करते हैं। साथ ही साथ इसके पत्तों का साग भी बनाया जाता है और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहते हैं, यानी कौन कौन से इसमें पोषक तत्व प्रेजेंट हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं चुकंदर के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और उसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसके पहले फायदे की तरफ, और वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर डॉक्टर की सलाह माने तो हाई ब्लड प्रेशर से शरीर के बहुत सारे अंग खराब हो सकते हैं, और इसीलिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को कि वो साग सब्जियाँ, सलाद, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाएं। और डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि चुकंदर में नाइट्रेट प्रेजेंट होता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे फायदे की तरफ। और दूसरा फायदा होता है एनीमिया में। एनीमिया मतलब खून की कमी होना। एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और जब किसी को एनीमिया होता है तो सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना, सिरदर्द जैसी समस्याएं आम होती हैं। और चुकंदर के अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है आयरन चुकंदर के अंदर। चुकंदर हमारे शरीर के अंदर आयरन की पूर्ति कर देता है। चुकंदर हमारे पाचन क्रिया यानी कि हमारे डाइजेशन को भी दुरुस्त कर देता है, और ये काफ़ी उसे मजबूत बना देता है। चुकंदर में एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया, हमारे भोजन को पचाने की शक्ति जो होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी ठीक कर देता है। इतना ही नहीं, ये हमारे लीवर को भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अगले फायदे के बारे में। अगला फायदा इसका है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि डायबिटिक पेशेंट को चुकंदर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर उगाया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि चुकंदर खाने से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो एक बार आप डॉक्टर से सलाह लें, फिर चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो आप बेझिझक चुकंदर खा सकते हैं। यह आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रिकवर करने में किसी भी चीज़ से। चुकंदर के अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हमारे हार्ट प्रॉब्लम को नॉर्मल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं। अगर आपको हार्ट अपना स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, तो आप रोज़ चुकंदर का सेवन ज़रूर करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहना है, आपकी एनर्जी एकदम हाई लेवल पर हमेशा रहे, तो उसके लिए भी आप चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी खूबसूरती को भी बरकरार रखता है। और इसके खूबसूरती की एक छोटी सी टिप आप सभी के लिए, अगर आप चुकंदर के पीसेस काट के अपने चेहरे पर लगाते हैं ऐसी डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर, तो ये आपके स्किन पर भी कुछ ताजगी महसूस करवा सकता है। चुकंदर आपके हड्डियों को मजबूत करने में, दांतों को मजबूत करने में, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बॉडी के हर एक न्यूट्रिशन को पूरा करने में, आपके वजन को घटाने में, और आपके लीवर को स्वस्थ रखने में, आपको आँखों के लिए, इन सभी तरह के चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाता है, आपकी बॉडी को पूरी तरह से तंदुरुस्त रखता है। चुकंदर खाने से आपकी बॉडी ही सिर्फ स्वस्थ नहीं रहती, बल्कि आपकी खूबसूरती भी निखर के आती है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होती है। इसमें विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर पे झुर्रियाँ जो होती है, रिंकल्स होते हैं, और आपकी बॉडी जो ड्राइनेस होती है, इन सभी चीज़ों से बचाने में मदद करता है, और आपकी खूबसूरती को निखार देता है। अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप कोई भी हैं, आपको चुकंदर ज़रूर लेना चाहिए। हमने चुकंदर के बहुत सारे फ़ायदों के बारे में बात कर ली, इनके बारे में सुना भी है हमने इधर उधर से, मगर अब हम जानेंगे चुकंदर के नुकसान के बारे में, कि इससे हमारी बॉडी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे हमारी बॉडी को क्या प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। अभी वीडियो में कुछ पल पहले ही मैंने बताया था कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए चुकंदर कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन ये डायबिटिक पेशेंट के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर आप चुकंदर का जूस रोज पीते हैं तो आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि 100 ग्राम शुगर में लगभग 7 ग्राम शुगर प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए अगर आपको चुकंदर खानी है या पीनी है,
तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। वैसे तो चुकंदर आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को कम कर देता है, लो कर देता है, विच इज़ ग्रेट। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो है, तो अगर आप ब्लड प्रेशर के लो करने की दवाइयाँ खाते हैं, तो चुकंदर खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक या ख़तरनाक हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप चुकंदर बिल्कुल ना लें। अगर आप चुकंदर रोज़ खाते हैं, तो आपकी बॉडी में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट वीडियो बनाऊँ और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी सुझाव हो हमारे लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।